कोलारस विधानसभा के रनौत थाना क्षेत्र के डेगुआ गांव में अज्ञात लोगों ने डेगुआ गांव के पुराने मरगट खाने में गोवंश को बंधक बनाकर रखा था। इसकी सूचना जैसे ही कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को लगी थी, विधायक ने तत्काल कोलारस SDM मोतीलाल अहिरवार से संपर्क कर डेगुआ गांव के पुराने मरगट खाने में कैद गोवंश को आयात कराया। यह वीडियो रनौत के पास डेगुआ गांव ग्राम का है। इस क्षेत्र में डेगुआ डैम है, जंगल भी है और अन्य ग्राम के कृषक बंधु पशुओं को इस क्षेत्र में छोड़ जाते हैं। इस बाउंड्री में अज्ञात लोगों ने कई दिन से गौ माताओं को बंद कर दिया था और दरवाजे पर पत्थर की बाउंड्री कर दी थी। आज वो कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी को पता चला तो प्रशासन को उन्हें आजाद कराने के लिए निर्देश दिए। अगर जंगल में भी गौ माता को स्थान नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, यह सारे मानव समाज को बचाने के लिए प्रश्न है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी शिवरी शहर की लुतावली में स्थित गौशाला में गोवंश की बदहाली पर सवारी निशाना खड़े कर चुके हैं और आज कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने डेगुआ गांव के जंगल में कैद गोवंश को आजाद कराया। गोवंश को आजादी मिलने के बाद विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने कोलारस SDM मोतीलाल अहिरवार को धन्यवाद ज्ञापित किया। विधानसभा में कुछ लोगों ने गायों को बंधक बनाकर रखा था, क्या कुछ पूरा मामला? पिछले दो दिवस पहले रनौत जो हमारी नगर पंचायत है उससे 5 किलोमीटर पूर्व जो जंगल का इलाका है वहाँ पुरानी गौशाला की बाउंड्री है उसमें अन्य अन्य गाँव से शायद पशु जंगल और तालाब होने की वजह से लोग वहाँ छोड़ जाते हैं किसान भाई। पहले तो मैं निवेदन करूँगा कृषक बंधुओं से कि गौ माता की चिंता करें, हम समाज की जिम्मेदारी है कि हम उनकी देख रेख करें, इस तरह लावारिस न छोड़ें। और चलो छोड़ भी गए लावारिस जंगल और तालाब के क्षेत्र में तो फिर गौ माता जाएगी कहाँ? वहाँ कोई अज्ञात आसपास के कृषक बंधुओं ने किसी गांव की उस गौशाला में उनको बंद करके बाहर जो रास्ता था 10 फीट का उस पर खम्भों से चिनाई कर, मतलब परमानेंट उनको बंद कर दिया। और ऐसा बता रहे हैं 4-5 दिन से वो बंद थी, क्योंकि रोड से दूर जंगल में है, किसी ने नज़र नहीं लगाई। हमारे KP यादव सरपंच द्वारा उन्होंने किसी तरह से वहाँ से निकल रहे थे, गायों की आवाज़ सुनी और मुझे वीडियो कॉलिंग को बताया, तो मैंने तत्काल SDM कोलारस अहिरवार जी को कहा कि इन गौ माताओं को आज़ाद कराएं। पर ये बहुत ही विचित्र और दुखद घटना है कि जंगल में और तालाब किनारे भी गौ माता अगर निराश्रित भी है, चलो किसानों ने भगा भी दी, तो कहाँ जाएगी वो? ये पूरे प्रदेश देश के लिए, हम सब मानव जगत के लिए चिंता का विषय है। गौ माता की चिंता सबको मिलकर करना चाहिए। मेरा इतना ही निवेदन आपके माध्यम से क्षेत्रवासियों से, किसान भाइयों से, देशवासियों से, प्रदेशवासियों से है।